राहुल गांधी ने सोमवार को सुल्तानपुर के मोची रामजीत को जूता चप्पल बनाने की सामग्री भेजी है और कहा कि आप इससे अपना व्यापार शुरू कीजिए। सोमवार की दोपहर करीब 2:30 बजे का समय था। रामजीत अपनी गुमटी पर बैठे चप्पल बना रहे थे। अचानक एक लग्जरी कार आकर दुकान के सामने रुकी। गाड़ी से 3 लोग नीचे उतरे और 4 गत्तों में भरे सामान उतार कर रामजीत के पास रख दिया। रामजीत ने पूछा, साहब यह क्या है, मैं इसका क्या करूँगा। सामान लेकर आए एक व्यक्ति ने कहा कि राहुल गांधी ने यह सामान आपके लिए भेजा है। यह सुनते ही रामजीत बहुत चक्के रह गए। पैकेट खोला तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसमें सिलाई के सामान और जूता चप्पल बनाने का कच्चा माल था। इसमें पफ चमड़ा, रिपीट सिलाई का सामान, सोल और पेताबा शामिल थे। बकौल रामजीत, इस सामान की कुल कीमत 50,000 रुपए से अधिक है। इससे वह महिलाओं और पुरुषों दोनों के जूते और चप्पल तैयार कर सकते हैं। सामान की कीमत करीब 1,00,000 रुपए बताई जा रही है। इसमें चमड़ा, लेदर पेस्ट, धागा, सुई और सोल के साथ साथ कई अन्य सामान भी भेजा है। जैसे आसपास के लोगों को मामले की जानकारी हुई, रामजीत की दुकान पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। काबिले गौर है कि बीते दिनों एक मुकदमे के सिलसिले में राहुल गांधी सुल्तानपुर आए थे, तभी वह रामजीत की दुकान पर गए थे और एक जूता भी सिला था। तब से रामजीत चर्चा में आ गए हैं। राहुल गांधी ने कई बार उनका जिक्र अपने भाषणों में किया है। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने रामजीत को एक जूता सिलने की मशीन भी भेजी थी। वहीं रामजीत ने भी जूते बनाकर राहुल गांधी को भेजा था, जिसे पहनकर राहुल गांधी ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया था। इस दौरान उन्होंने रामजीत के काम की तारीफ भी की थी। अब सोमवार को राहुल गांधी ने फिर से रामजीत के लिए सामान भेजा। रामजीत की किस्मत 26 जुलाई को समय बदली, जब राहुल गांधी का काफिला उनकी दुकान पर रुका था। MP MLA कोर्ट पर पेशी से लौटते हुए राहुल गांधी ने न केवल रामजीत से भेंट की, बल्कि दुकान पर बैठकर चप्पल की सिलाई और जूता चिपकाने का काम भी किया था। राहुल गांधी ने रामजीत की आर्थिक स्थिति की जानकारी लेने के बाद एक सिलाई मशीन भेजी थी। अब दूसरी बार उपहार स्वरूप राहुल गांधी की इस मदद ने रामजीत की दुकान की दिशा बदल दी है। अब उनके पास उत्कृष्ट गुणवत्ता के सामान है, जो उनके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुँचा सकते हैं। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।